जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी स्कॉर्पियन के मंथली राशि फल के बारे में। वैसे स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है, थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, मैं जानता हूँ। और ये जो जून का मासिक राशि फल है, आपकी सोच और आपकी आर्थिक स्थिति को बदल देगा। इसलिए ये पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सबसे पहले हम ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के। तो वृश्चिक राशि के ग्रह गोचर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है महीने की, और देखा जाए तो आपका जो शनि है, शनि आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, और बुध राहु और गुरु आपके छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल जो नीच के बैठे हैं वो शुक्र के साथ में नवम भाव में बैठे हैं, और चंद्रमा जाके बैठ गए हैं आपके कहाँ पर, चंद्रमा जाके बैठ गए हैं आपके बारहवें भाव में केतु के साथ में। अब क्या होगा कि ये तो ग्रह गोचर के बारे में बात करें, और 1 जून में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। चतुर्थ भाव में जो शनि बैठे हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। वैसे भी वृश्चिक राशि पे ढैया चल रही है, और 17 जून में मैंने कहा था ना कि वृश्चिक और कर्क राशि के लिए ढैया खराब है, आपने मेरी विश्वास नहीं मानी। और ज़्यादातर वृश्चिक और कर्क राशि वालों ने बोला कि और यूट्यूब वाले तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, अब अच्छा हो रहा है। तो ज्योतिष के जो सूत्र हैं उसके अनुसार ही हम चर्चा करते हैं, और उसी के अनुसार मित्रों बताते हैं, हम तो कोई तुक्के वाली बात नहीं बताते, सूत्र के साथ में बताते हैं, श्लोक के साथ हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र और श्लोक क्या कहता है, जब चतुर्थ भाव में शनि वक्री होंगे तो कहा जाता है चतुर्थे स्थाने शनि वक्रा पारिवारिक भौतिक सुखदायका, यानी चतुर्थ स्थान के अंदर जब भी शनि वक्री होंगे तो आपके पारिवारिक रुके हुए काम, फैमिली मेंबर के रुके हुए काम, बेटा बेटी के रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। साथ ही साथ भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, या तो नया ड्राइवर, नया आपको एक कर्मचारी रखेंगे परिवार के लिए, या फिर हो सकता है आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदें, क्योंकि 140 दिन शनि वक्री होंगे, यानी 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक ऐसी स्थिति बनेगी, याद रखिएगा। और वृश्चिक राशि वालों, जिनको मैंने कहा था कि 17 तारीख को बोला था, 17 जून को बोला था कि ढैया लगेगी और आप परेशान रहेंगे, आप परेशान हैं तो कमेंट में लिखें, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं जून के मंथली राशि फल के बारे में, और सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। तो देखा जाए जून के अंदर 1 तारीख से लेकर 30 जून तक जो मंगल है, वो आपके मंगल नवम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन नीच के बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं है, क्योंकि त्रिकोण भाव नवम को कहा जाता है, जो ये नवम भाव है इसको त्रिकोण भाव कहा जाता है। यहाँ पर शुक्र साथ में मंगल होने से और नीच राशि में होने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का तो पड़ने वाला है। तो कुल मिला के पूरा जून का महीना एलर्जी की प्रॉब्लम, हल्की पेट की प्रॉब्लम, टांगों की, नसों की प्रॉब्लम, शरीर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, और चिड़चिड़ापन और गुस्सा वृश्चिक राशि में बहुत रहेगा, पसीना बहुत आएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो ये जो नीच के मंगल बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत नेगेटिव नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट आप पे डालेंगे। धन भाव के बारे में बात करें, स्वामी हैं वो छठे में बैठ गए हैं, बुध राहु और गुरु एक साथ, तो 3 भागों में स्थिति बट रही है जून में। तो पहला 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो धन के लिए किसी से वाद विवाद हो सकता है, या धन हानि के योग आपके नज़र आ रहे हैं, बैंक की दौड़ा भागी रहेगी। तो कुल मिला के 10 जून तक तो वृश्चिक राशि का स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 11 तारीख से 20 जून तक देखा जाए तो थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी, यानी कि 19-20 का फर्क हो जाएगा, काम पॉजिटिव बनते हुए आपको नजर आएंगे, यानी 11 तारीख से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अब मेरी धन की स्थिति अच्छी है, अब लोग जवाब दे रहे हैं, अब मेरी धन संबंधी डील हो सकती है, मीटिंग पे मीटिंग रहेगी। और फिर 20 तारीख के बाद यानी 21 से 30 जून के बीच में आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, या फिर धन में बड़ी वृद्धि हो सकती है, वो होगी आपकी 20 तारीख के बाद ही, टेंटेटिव ये योग बन रहा है। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, तो परिवार स्थिति में तो शनि बैठे हुए हैं और शनि चतुर्थ में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो घर में अशांति रहेगी,
अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित, रेनोवेशन से संबंधित कोई काम करा रहे हैं तो ठेकेदार मजदूरों से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, लेबर से विवाद रहेगा, मजदूरों से ठेकेदार से आपके वाद विवाद रहेंगे। तो 16 जून तक एक तो आपके एक्टिविटी बिजी रहेंगी और आप थोड़ा परेशान रहेंगे। 17 जून से जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का काम आपका सुचारू रूप से चलेगा, प्रॉपर्टी में आ रही बाधा खत्म हो जाएगी, इनफैक्ट आपका वाहन का योग भी बनता है, यानी कि 17 जून के बाद पारिवारिक स्थिति, आपके फैमिली मेंबर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं संतान और विद्यार्थियों के बारे में, तो उनके लिए जून का महीना मिला जुला रहेगा, यानी 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो संतान या स्टूडेंट हैं उनका किसी से वाद विवाद हो सकता है और आपकी कोई वस्तु गुम या चोरी हो सकती है। साथ ही साथ आपके किए गए काम में कंप्लेंट आ सकती है, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके माता पिता पे आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 10 जून तक अशांति रहेगी। 11 तारीख से लेकर और 30 जून के बारे में बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, बुध जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये जो त्रिवर्गीय ग्रह है जो छठे भाव में बैठे हैं, इसकी युति टूट जाएगी, तो कहीं ना कहीं विद्या काम के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ ये जो जून 11 जून के बाद आप अचानक तीर्थ यात्रा या किसी देवी देवता के दर्शन भी करेंगे। तो कुल मिला के 11 जून के बाद विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है। आप बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी में देखा जाए तो बुध राहु गुरु का कॉम्बिनेशन थोड़ा नौकरी में थोड़ा बाधा पैदा कर सकता है, त्रिवर्गीय ग्रह के कॉम्बिनेशन, यानी 1 तारीख से लेकर और 8 जून तक देखा जाए तो आपको नौकरी से संबंधित कोई प्रपोजल आपका कैंसिल हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में नाम आते आते रह सकता है, प्रमोशन होते होते रुक सकती है, नई ज्वाइनिंग होते होते डिले हो सकती है, यानी अशुभ समाचार आपको मिलेगा और काम में काफ़ी ज़्यादा 8 जून तक आप रुकावटें देखेंगे। 9 जून से 30 जून तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए सीनियर या मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन आएगा, जिससे कि आपको बड़ी राहत मिलेगी और भाग्य से आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, बड़ा पद मिल सकता है या कोई ना कोई ऐसा काम आपको मिल जाएगा जिससे आप बड़े खुश होने वाले हैं। तो वो 9 जून से 30 जून के बीच में ऐसी घटना होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य भाव की, तो दाम्पत्य भाव में तो सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि के, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो ये जो महीना है पूरा का पूरा पार्टनर के बड़े मूड स्विंग होंगे, कभी तो आपसे अच्छे बर्ताव करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा रूखा बर्ताव करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम रह सकती है, नेत्र इन्फेक्शन रह सकता है, जून के महीने में ऐसा ही रहेगा, यानी कि लव कपल का रिलेशन कभी अच्छा कभी ख़राब रहेगा। पति पत्नी की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में जो सूर्य बैठे हैं कहीं ना कहीं पत्नी के मायके जाने के या आपके पार्टनर के मायके जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं उनको एलर्जी की प्रॉब्लम या सर दर्द की प्रॉब्लम जून के महीने में रहेगी और घर में आपके पार्टनर से कोई बड़ा नुकसान, बड़ी टूट फूट हो सकती है उनके हाथ से, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त रहने वाली है जून के महीने में। अब बात करते हैं व्यापार भाव की, जो व्यापारी जो व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं वृश्चिक राशि वाले, जो अपना ही काम करते हैं, उनका महीना कैसे जाने वाला है। 2 भागों में विभक्त होगा, 1 तारीख से लेकर 14 जून तक देखा जाए तो बैंक के आपके चक्कर लग सकते हैं, सरकारी दफ्तर के चक्कर लग सकते हैं, सरकारी भुगतान आपको करना पड़ सकता है और काम में भी मंदी रहेगी 14 तारीख से। 15 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो 15 तारीख से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए, हालांकि सूर्य अष्टम में है लेकिन मिथुन राशि में होने से कुछ लाभ होगा, अचानक बड़ा काम आपको मिल सकता है, सरकारी योजना से आपको लाभ होगा, सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन आपको प्रयास, क्योंकि अष्टम भाव में जो मिथुन राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, कार्य आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 15 तारीख से 30 जून तक जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, अगर वो बड़ा काम लेना चाहते हैं तो खूब मेहनत करें, खूब चक्कर लगाएं वेंडर के, आपको बड़ा काम अवश्य मिल सकता है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, जय माता दी।